सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो बच्चे योगे, मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों यह है अलीगढ़ क्रॉस करने के बाद में अकराबाद टोल प्लाजा। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये चालू हो चुका है। अब हम चलेंगे आगे, आप लोगों को दिखाएंगे चल के दोस्तों सिकंदरा राव आरओबी ब्रिज का काम, जो कि NH 34 का बनाया जा रहा है। दोस्तों तो चलते हैं आगे और दिखाएंगे चल के। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो। दोस्तों तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पर ये रोक लगा रखी है, ये सिकंदराबाद सिकंदरा राव के अंदर चला जाता है। देखो यहाँ से ये बिल्कुल ब्रेक लगाया हुआ है क्योंकि बंद पड़ा है। आगे सिकंदरा राव आरओबी ब्रिज के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों आरओबी ब्रिज बनाया गया है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है इसकी सर्विस लाइन, ये बीच वाला है पार्ट दोस्तों जो बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बस जो भी वर्क अभी बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए दोस्तों, वो बचा हुआ है सिकंदरा राव आरओबी ओवर ब्रिज के ऊपर। दोस्तों उस पर आप लोगों को बता दूँ, फ्लोर वर्क हो चुका है, साइडों के क्रैश बैरियर भी बन चुके हैं दोस्तों। अब उस पर बस ब्लैक टॉप करना बाकी बचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को आगे ही दिखाते चल के वहीं पर कि वहाँ पर क्या कुछ वर्क अभी किया जा रहा है। दोस्तों देखो आप लोग किस तरीके से पूरे रूट को बना दिया गया है दोस्तों, और जो बीच का मीडियन है दोस्तों उसके ऊपर मिट्टी डाल के पेड़ पौधे भी इन्होंने लगा दिए मीडियन के ऊपर। दोस्तों देखो साइडों के जो क्रैश बैरियर हैं उन पर दोस्तों पेंट करने का भी बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और ये यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है सिकंदरा राव आरओबी ओवर ब्रिज, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। और रोड देखो कितना ही सुंदर बनाया गया है। देखो 3 लेन इस साइड, यानी कि ये सर्विस लेन भी दे रखी है दोनों साइड में दोस्तों, दो दो लेन की, तो देख सकते हो 6 और 4 10, ये 10 लेन का हाईवे है दोस्तों यहाँ पर इस जगह पे, क्योंकि आरओबी ब्रिज आ जाता है। देखो ये एक साइड तो इधर लेफ्ट में चला जाता है दोस्तों, कहाँ कासगंज के लिए, और लेफ्ट में चला जाता है दोस्तों, राइट में चला जाता है कहाँ के लिए, मथुरा के लिए, और लेफ्ट में चला जाता है कासगंज के लिए। यहाँ से देखो रोड बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बंद कर रखा तो बाइक निकल जाएगी, क्योंकि मुझे आप सभी को दिखाना भी है तो इसी वजह से मैं आप लोगों को आगे दिखाता हुआ चल रहा हूँ। आरओबी ब्रिज दिखाएंगे सिकंदरा राव के ऊपर के बना है या नहीं बना है, वो आप लोग जब अपनी आँखों से देखेंगे दोस्तों तभी आप लोगों को पता चलेगा और आप लोगों को यकीन होगा दोस्तों। तो चलते ना देर करते हुए ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। Thank you.
ये सिकंदरा राव आरओबी के ऊपर दोस्तों मैं आ चुका हूँ। आप लोग अब तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर फ्लोरिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। और देखो मीडियन के ऊपर भी ये क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है और साइडों से भी लेफ्ट राइट में क्रैश बैरियर बनाने का काम किया जा रहा है। सरियाओं का जाल इन्होंने बना दिया दोस्तों, बस इस पर कॉन्क्रीट भरना बाकी बचा है और इस पर अभी ब्लैक टॉप होना बाकी बचा है। ब्लैक टॉप कर देने के बाद में दोस्तों इस पर लैंड मार्किंग कर देंगे, काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो यह है सिकंदरा राव आरओबी ब्रिज, ये देखो आप लोग तस्वीरें, ये जो मेरी सूरज पड़ रहा है इधर है सिकंदरा राव और इधर चला जाता है ये कहाँ के लिए, कासगंज के लिए, जो रेलवे लाइन है वो कासगंज के लिए आगे चली जाती है। दोस्तों देखो किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया, आप लोग देख सकते हो तस्वीरें, और कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, शायद तो हो भी गया हो, कह नहीं सकता हूँ कि जब मैं गया था आप लोग तभी इस पर काम चल रहा था जोरों शोरों से। और देखो मीडियन के ऊपर मिट्टी डाल के दोस्तों इसमें प्लांटेशन भी कर देंगे दोस्तों। इधर तो बिल्कुल काम बिल्कुल फाइनली है, फाइनल स्टेज में, बस इस पर क्या करना, क्रैश बैरियर देखो बनी गए हैं, इस पर बस डेंट पेंट कर देंगे, पेंट करने के बाद में और इस पर ब्लैक टॉप करने के बाद में इस पर लैंड मार्किंग कर देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है उसके बीच में ये पाइप लाइन डाली गई है, ये पाइप डाले गए हैं स्ट्रीट लाइट के लिए दोस्तों। देखो ये दूसरी साइड का है यानी कि सिकंदरा राव के साइड का, ये देखो आप लोग, अगर मेरी बात झूठ आप लोगों को लग रही हो तो मैं जो भाई साहब होता है वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। देखो बस ये साइड के क्रैश बैरियर बनाने के बाद में इस पर बीच में भी ब्लैक टॉप कर देंगे, ब्लैक टॉप कर देने के बाद में दोस्तों इस पर लैंड मार्किंग कर देंगे, आगे तो लैंड मार्किंग का काम हो चुका है कंप्लीट दोस्तों। आगे देखो आगे बढ़ के आप लोगों को दिखाते हैं कि हुआ है नहीं हुआ है, जब आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, देखो स्ट्रीट लाइट के खंभे भी लग गए, इन पर बस लाइटें लगना अभी बाकी रह गया दोस्तों, बाकी तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो। देखो सारा काम हो चुका है, नहीं हो चुका कंप्लीट, देखो आप लोग, अगर मेरी बात आप लोगों को झूठ लग रही हो तो, क्योंकि कमेंट भी आ रहे थे दोस्तों यहाँ पर आरओबी का, सिकंदरा राव आरओबी का अपडेट मांग रहे थे जो मेरे व्यूअर हैं दोस्तों, उनके लिए आज ये फाइनल हो चुका है दोस्तों। और आगे देख सकते हो ये जब हम एटा क्रॉस करने के बाद में ये बनाई जा रही है रेलवे लाइन, और ये रेलवे लाइन पता क्यों बनाई जा रही है, इसका मैंने अपडेट आप लोगों को पहली पिछली बार दिया था कि मलावन में थर्मस पावर प्लांट बनाया गया दोस्तों, यानी कि बिजली प्रोवाइड करा रही है। तो यहीं पर ये रेलवे लाइन आ रही है दोस्तों, ये आ रही है खुर्जा से, और खुर्जा से ये लाइन आ रही है और दोस्तों ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये जिसका ब्रिज बनाने का काम था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, इस पर लाइन भी बिछा दी जा चुकी है यानी कि पटरियाँ बिछा दी जा चुकी हैं, बस इस पर इस पर अगर लगना है तो क्या ये क्या नाम है, ओवरहेड वायरिंग और ओवरहेड इक्विपमेंट लग जाने के बाद में खंबे तो लग चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के दोस्तों, देखो वो लगे हुए हैं देखो आप लोग। तो मैंने सोचा इसी वीडियो में ये भी दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा ही पार्ट है, तो मैंने सोचा कि दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों की जानकारी हो देखो। और अभी शाम के बज रहे हैं दोस्तों 4:30, और इसीलिए मैंने सोचा निकलता हुआ मैं जा रहा था कुराबली के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए इस वीडियो में। बिल्कुल ये हाईवे बिल्कुल कवर हो चुका है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि गाज़ियाबाद के लाल कुआं से लेकर और दोस्तों ये एटा तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये थर्मल पावर प्लांट का ये ब्रिज बनाया गया है NH-34 के ऊपर दोस्तों, जिस पर रेलवे लाइन बिछ चुकी है इस पर, और इलेक्ट्रिक सिटी के इसमें खंभे भी लग गए हैं दोस्तों। अब इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, उसके बाद ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों, और यहाँ से ये मालगाड़ी कोयला लाने के लिए ले जाने के लिए यहाँ पर ये थर्मल पावर प्लांट में काम किया जाएगा दोस्तों। और थर्मल पावर प्लांट आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा मलावन के अंदर दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप लोगों के बीच में अपने चैनल पर लाता रहता है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जाओ विजिट करो दोस्तों, और हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि आप सभी को केपी संत के ये वीडियोस कैसे लगते हैं। आप सभी को आप लोग कोशिश
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट हमें भेजते रहो, मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा दोस्तों। यह है दोस्तों, देख सकते हो थर्मस पावर प्लांट जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, और ये मलाबन में बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस था, तो इसी वजह से यहाँ मलाबन में बनाया गया है दोस्तों। मलाबन देखो इसके बगल में ही है, मतलब राइट हैंड पे, और ये एटा डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, एटा शहर में। तो देखो आप लोग तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर ये पावर प्लांट बनाया गया है, थर्मस पावर प्लांट, और मैंने इसका पिछली बार भी अपडेट दिया आप लोगों ने, तो आप लोगों ने इसकी भी डिमांड की थी कि किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया। देखो आप लोग मलाबन, ये देखो 2 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है, प्रयागराज मैनपुरी 41 किलोमीटर है, और ये दोस्तों मैनपुरी के लिए जा रहा है। तो आप लोग थर्मस पावर प्लांट देख लो, शाम के बज रहे हैं 5 दोस्तों, और इसी वजह से ये गौशाला है यहाँ का। देखो यहाँ पर ये पीछे मधुपुरा और अकबरपुर, सामने पीछे है मेरे, और ये सामने है थर्मस पावर प्लांट दोस्तों, यानी कि बिजली प्रोवाइड कराने वाला यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। ये देखो दोस्तों, ये दिन का नज़ारा है, वो शाम का नज़ारा था, कुछ ऐसा चमक रहा है थर्मस पावर प्लांट, क्योंकि वहाँ जाने की मुझे टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं उसके पास में नहीं जा पाया, इसीलिए मैंने आप लोगों को हाईवे पे से दिखाया दोस्तों, NH 20 34 से ही मैंने आप लोगों को इस थर्मस पावर प्लांट का व्यू दिखाया है दोस्तों। और देखो कितनी हैवी हैवी ये हाई टेंशन लाइन इसी थर्मस पावर प्लांट से आ रही है दोस्तों, जो कि यहाँ से 3-4 लाइन गुजर रही है दोस्तों, एक तो सकूराबाद मक्खनपुर, और ये चली जाती है दोस्तों, एक एटा शहर में चली जाती है, एक पता नहीं कहाँ जाती है, वो इतना मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और देखो किस तरीके से यहाँ पर ये रोड का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, यहाँ पर एक पुलिया है और पुलिया को देखो चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों। देखो ये बनी हुई है दीवारें, देखो इस पर सेटरिंग लगी हुई है, इसकी बॉल को बनाया जा रहा है दीवारों की, इधर तो ये सैयाओं का जाल बना दिया, और उसके बाद में दोस्तों ये रोड को चौड़ा भी कर दिया दोस्तों। देखो अब इस पर लैंड मार्किंग करना अभी बाकी रह गया दोस्तों, स्ट्रीट लाइट के खंभे भी लगाए जाएंगे इस रोड में दोस्तों, बस पुलिया कंप्लीट हो गई है बनके, बस उसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद में फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो किस तरीके से यहाँ पर इस रोड को बनाया जा रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यह पुलिया चौड़ी की जा रही है दोस्तों, पुलिया ये बन चुकी है, अब इसमें बस रोरी बजरी की लेयर डाल के इसमें लोड रोडल चलाएँगे दोस्तों, फिर उसके बाद में फाइनल ब्लैक टॉप कर देंगे। देखो किस इस तरीके से यहाँ पर ये फाइनल बस लेयर का काम करेंगे दोस्तों, और ये 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। देखो रोरी बजरी की लेयर पड़ी हुई है ना, ब्लैक टॉप ऐसे ही कर देंगे दोस्तों, और मैं ऐसे ही अपडेट आप लोगों को लाता रहता हूँ, ठीक है, केपी संत के चैनल पर दोस्तों। जो काम होता है प्रेजेंट में वही आप सभी को देखने के लिए मिलता भी है।
देखो यहाँ पर ये साइड से मेटल क्रैश बैरियर भी लगाने का काम किया जा रहा है, इधर तो लगा दिए गए हैं। लैंड मार्किंग का देखो किस तरीके से काम किया जा रहा है, जो कि ये देखो ये लैंड मार्किंग कर दिया उन्होंने, अभी बीच में भी लैंड मार्किंग होनी है, आगे भी होनी है दोस्तों। तो मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, और आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के पसंद के चैनल पर दोस्तों देखते रहो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। आपसे मेरी ये गुजारिश है दोस्तों, अगर चैनल पर विजिट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा इस काम को किया करो दोस्तों। देखो यहां पर ये मेटल क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं साइडों से, देखो, और यहां पर ये रोड को चौड़ी करने का काम किया जा रहा है, जो कि एक पुलिया को चौड़ा किया जा रहा है। इस पुलिया को बन जाने के बाद में दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप कर देंगे, देखो यहां तक ब्लैक टॉप भी हो गया, और देखो ये मेटल क्रैश बैरियर भी लगा दिए इन्होंने, तो इधर तो बिल्कुल काम कंप्लीट सा ही हो चुका है। देखो आप लोग तस्वीरें इंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में आप सभी से दोस्तों।